महाराष्ट्र में या भारत में और दुनिया में सब जगह कोरोना का फैलाव चल रहा है, इसलिए और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी ट्रैफिक वगैरह बंद हो गया था, इसलिए आकाश निरभ्र हो गया था, बहुत अच्छा क्लीन था। लेकिन जैसे जैसा लोगों की चहल पहल बढ़ गई तो वापस प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। और दिवाली में सब लोग हमेशा पटाखा उड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरा कहना है कि वो भी नहीं करें, प्रदूषण से बचे और लोगों ने आनंद के साथ घर में अपने बाल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मित्र मंत्र फ्रेंड के लोगों के साथ दिवाली मनाए, खुशियाँ बांटे, बात करके बांटे, अच्छे विचार अच्छे कर्म करे। जो गरीब है, जो भूखे हैं, जो उनको कोरोना काल में जिसकी नौकरी गई है, ऐसे जो कर्म के लिए अपना कुछ जो भी यथा योग्य सहयोग कर सके तो उस तरह से दिवाली मनाए। दूसरों के जीवन में खुशी के दिन देखने के लिए दिवाली मनाए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं गए 6-7 महीने से देख रहा हूँ लोगों की हालत तो बहुत ख़राब है। और दिवाली हम लोग दूसरे को खुश रखना ही अपना दिवाली का फर्ज बनेगा ऐसा मुझे लगता है। और फिर भी ये त्यौहार है अपना साल का, बहुत बहुत जीवन में सबके खुशी के दिन आए, आनंद आए और आरोग्यदायी जीवन रहे, यही मैं सबको शुभकामना देता हूँ।